आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लेंथ है, लेंथ ऑफ कर्व से है। यहाँ कह रहा है कि होल लेंथ निकालिए एक लूप के, इस कर्व के एक लूप का होल लेंथ निकालिए। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कर्व हमको दिया हुआ है, सॉल्यूशन में ये इक्वेशन ऑफ कर्व है। इसमें यदि एस का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 0 रखेंगे तो दोनों ओर सेम 0-0 आ जाएगा, तो हम कहेंगे ये कर्व ओरिजिन से पास होती हैं। फिर आप देखें डिग्री जो है वाई का वो इवन है, इवन डिग्री वाई का है तो ये सिमेट्रिक होगा एस 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 के। फिर इसमें पुट करते हैं वाई इक्वल टू 0, वाई का वैल्यू 0 किए तो ये एस का दो वैल्यू आया 0 ए, मीन्स पॉइंट मिला हमको 0-0 और ए 0। फिर इसी प्रकार हम एस का वैल्यू 0 लिए, यहाँ वाई का वैल्यू 0 लेने पे एस का वैल्यू निकला, फिर एस का वैल्यू 0 रखने पे वाई का वैल्यू निकला। तो इस प्रकार हमको दोनों की सहायता से हमको पॉइंट मिला क्या 0-0 a 0, यानी हमको लेंथ निकालना है 0-0 और ए 0 के बीच में लेंथ निकालना है। फिर क्या किए हम इक्वेशन वन जो दिया हुआ है आपको उसमें डिफ्रेंसिएशन किए दोनों ओर एस के रिस्पेक्ट में, यह आ गया 3ay² + 2y / dx इक्वल टू, ये आपका u इंटू v में है, u रखे v का डिफ्रेंसिएशन, पावर इंटू बेस पावर -1, फिर अंदर वाले का s का 1 0, प्लस v रखे u का डिफ्रेंसिएशन, ये आया। अब देखिए यहाँ पे सिस ए वाई डीवाई बाई डी एस बराबर आ गया 2s - a + s - a का होल स्क्वायर, दोनों में s - a कॉमन है ले लिए तो आ गया आपका 3s - a, तो यहाँ से dy by ds हमें इतना निकला। हम क्या किए इसमें दोनों ओर स्क्वायरिंग किए, स्क्वायरिंग करने पे dy by ds का होल स्क्वायर मिला हमें ये। यहाँ क्या किए हमको मालूम है इक्वेशन वन में ये 3ay² का वैल्यू, तो हम ये 36a² y² को लिखे 12a * 3ay². अब यहाँ पे ये जो है आपका 3ay², इसका वैल्यू 1 से रख दिए। अब ये आपका as - a का स्क्वायर कट गया तो बच गया आपका 3s - a का हो स्क्वायर / 12as, यानी कि हमें मिला यहाँ पे dy/ds² का वैल्यू ये मिला। फिर हमने क्या किया, जब हम dy/ds का होल स्क्वायर निकाल लिए तब 1 + dy/ds का होल स्क्वायर निकाले, 1 + 3s - a का होल स्क्वायर / 12as, एलसीएम लिए 12as आ गया, यहाँ 12as + 3s - a का होल स्क्वायर, ये जो है आपका a - b का होल स्क्वायर, उस पर तोड़े 12as और -6as आ गया आपका +6as, फिर ये आ गया a² + 2ab + b² के रूप में आ गया आपका 3s + a का होल स्क्वायर, नीचे में 12as। आपको निकालना है √1 + dy/ds का होल स्क्वायर, इसका अगर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर हट गया, आ गया 3s + a, 12 को लिखेंगे 4 * 3, तो 4 का हो गया 2, 3 हो गया √3, फिर a का √a, s का √s। अब एरिया निकालना है हमको, लेंथ निकालना है, लेंथ निकालना है तो टोटल लेंथ हो गया आपका OABCO। तो हम क्या करते हैं ऊपर वाले का लेंथ निकाल लेते हैं, ये OAB, उसमें हम क्या किए 2 से मल्टीप्लाई किए, एरिया होता है यहाँ पे अपर लोअर लिमिट 0 हो गया, 0 से a √1 + dy/ds का होल स्क्वायर ds, इसमें 1 + ये जो निकाल रहे हैं आप √1 + dy/ds का होल स्क्वायर, वो वैल्यू रखे तो ये आपका टर्म, ये कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ गया तो ये 2 कट गया तो बचा 1/√3a, 0 से a इंटीग्रेशन, इसको अलग अलग किए 3s / √s, फिर a/√s, ये √s कट गया, √s आ गया, √s का इंटीग्रेशन पढ़े हो s³/3/2, ये पावर नीचे आ गया 3/2, और 1/√s का होता है 2√s। अब ये 3 कट गया, 2 ऊपर चला गया, 2s³/3/2 + 2a√s, 0 से a लिमिट है आपका, अपर लिमिट दिए s के बदले में a रखे तो ये आया, 0 रखने पे 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपका a√a a³/3/2 दोनों सेम है, आ गया 4a³/3/2, ये हो गया आपका 4a³/3/2 / √3, बाहर आके √3 हो गया, √a को लिखते हैं हम a³/1/2, बेस सेम रहने पर पावर माइनस कर दिए, यहाँ आ गया 4a/√3, यानी कि टोटल लेंथ आपका हो जाएगा इस लूप का 4a/√3। उम्मीद है आप समझे होंगे।
फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे हम, बाय।